अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वो चीज है जो इस नए साल आपको अपने घर जरूर लेकर के आनी है। साथ ही हम जानेंगे कि जब 1 जनवरी का कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है, इसका हमारे धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, तो क्यों इस बार आपको ये खास शास्त्रीय उपाय 1 जनवरी को करना जरूरी है। इसी के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वो चीज है जो आपको साल की शुरुआत पर ही अपनी झाड़ू के नीचे दबाकर रखनी है, और इसी के साथ हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ 1 रुपए का सिक्का का इस साल आपको माला माल बना सकता है। क्योंकि दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है, तो उसके लिए आपको चाहिए बस 1 रुपए का सिक्का। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों नए साल में इन 5 चीजों में से कोई भी एक तुरंत जरूर खरीद लाइए, नहीं तो सारी जिंदगी पछताओगे। दोस्तों नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो क्यों ना इस साल की शुरुआत इन 5 चीजों से करें। कहते हैं नए साल की शुरुआत अगर अच्छे से की जाए तो सारी जिंदगी खुशियों से चमक उठती है। अगर आप भी अपने लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इन 5 चीजों में से कोई भी एक चीज जरूर ले आइए, फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे खुशियां आती है। अब दोस्तों यूँ तो 1 जनवरी को मनाए जाने वाले न्यू ईयर का हमारे शास्त्रों में कोई भी महत्व नहीं है, ये तो महज एक वेस्टर्न कल्चर है जो भारत में भी सब लोग मनाते हैं। तो सवाल आता है कि आखिर 1 जनवरी को ये चीजें मैं आपको क्यों लाने को बता रही हूँ, क्यों और किस तरह से जनवरी का महीना हमारे लिए खास है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है और 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर कहीं पर काई पोचे सुनाई देता है यानी पतंगबाजी चलती है, तो कहीं पोंगल की धूम मचती है। जनवरी में बहुत ही खास और पवित्र त्योहार हर प्रांत में मनाए जाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से जनवरी का महीना दान पुण्य के लिए बहुत ही खास है, और यही कारण है कि इस महीने में कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए। कुछ चीजें आप अपने घर ले आइए तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं, तो ये मौका आप मत गवाइए। और आपके यहाँ कौन सा खास त्योहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो इस नए साल में जनवरी के महीने में आपको जरूर ले आनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहली चीज है गणेश जी। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है जो हर किसी के दुखों को हर लेते हैं। अब अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो इस नए साल में गणेश जी की मूर्ति घर जरूर ले आइए। गणेश जी आपकी सारी समस्याओं को दूर करके खुशियां ही खुशियां देंगे। इस नए साल में अगर आप गणेश जी को घर लाते हैं तो उनके ही मन के अनुसार मिठाई का भोग यानी कि मोदक और गेंदे के फूलों से सजाकर पूजा अर्चना करें, और उसके बाद अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताएं। फिर आप देखिए कि जनवरी के खास महीने में जब चारों ओर पवित्रता का माहौल है, धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं कैसे अपने आप हल होने लगेगी। दोस्तों अगली चीज है नारियल। जी हाँ दोस्तों, नए साल की शुरुआत अगर नारियल तोड़कर की जाए तो बहुत ही मंगलकारी होगा। इससे आपकी तरक्की के रास्ते भी खुल जाते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा निकलकर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए नए साल की शुरुआत नारियल तोड़कर ही करें। दोस्तों अगली चीज है मोरपंख। आपको बता दें कि मोरपंख की वजह से लाखों लोग आज ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसे जानकर आपको खुशी होगी और आप भी वो लाइफ जरूर पाना चाहेंगे। जी हाँ ये बिल्कुल सच है। दोस्तों कई लोगों ने हमें खुद बताया है कि मोरपंख लाकर वो बहुत ही खुश हैं। मोरपंख ने उन्हें वो सारी खुशियाँ दी है जो वो चाहते थे। अगर आप भी परेशान रहते हैं तो इस नए साल मोरपंख जरूर ले आइए। मोरपंख खरीदते वक्त कृष्ण भगवान का नाम जरूर लें, ऐसा करने से कार्य में तरक्की मिलती है और कार्य भी आश्चर्यजनक हो जाते हैं। अगली चीज की बात करें दोस्तों तो आपको कोई भी मनी ट्री अपने घर लेकर के आना है। अगर आपको अपने घर में पैसों की बरसात करानी है तो इस नए साल की शुरुआत किसी भी मनी ट्री से कर सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट, क्रासुला का पौधा, या सबसे बेहतरीन रहेगा तुलसी का पौधा, या आप चाहें तो बैम्बू प्लांट, अशोका भी आप अपने घर पर लेकर आ सकते हैं। दोस्तों ये सारे पौधे पैसों की बरसात कराते हैं। दोस्तों अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो इनमें से कोई भी एक पौधा जरूर लेकर के आइए, और खासकर जो भी व्यक्ति तुलसी का पौधा लगाता है और रोजाना उस पर दीपक जलाता है तो उसके जीवन में धन के साथ घर में खुशहाली भी आती है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि अगली चीज कौन सी है जो आपको घर पर लेकर आनी है।
दोस्तों, नाम, शोहरत और पैसा ऐसी चीज है जिसे हर इंसान चाहता है। हर इंसान जीवन भर इन तीन चीजों के लिए परेशान रहता है। इसीलिए हम आपको जो अगली चीज बताएंगे उससे न सिर्फ आपको धन की प्राप्ति होगी बल्कि जीवन में गुडलक भी कामयाब होगा और जिन चीजों की कामना आप रखते हैं उन्हें आसानी से पा सकते हैं। इस नए साल में अगर आपको कोई गिफ्ट के तौर पर लाफिंग बुद्धा देता है तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत चमक गई है। लाफिंग बुद्धा का असर तब काम करता है जब ये गिफ्ट के तौर पर मिले। जिस घर में लाफिंग बुद्धा मूर्ति होती है वहाँ कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। लाफिंग बुद्धा का पेट हमेशा पैसों और खुशियों से भरा ही रहता है। इसीलिए अगर आपको गिफ्ट में लाफिंग बुद्धा मिले तो इसे घर में पूर्व दिशा में रखें। दोस्तों, झाड़ू का हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। इसका संबंध माँ लक्ष्मी से है। माँ लक्ष्मी धन की देवी है। झाड़ू साफ सफाई का महत्वपूर्ण साधन है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश करती है जो घर स्वच्छ और सुंदर हो। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि आपको नए साल पर झाड़ू कैसे मालामाल बना सकता है। जब आपको लगे कि घर में परेशानी ज्यादा है तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में झाड़ू का गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि झाड़ू के नीचे आपको क्या छुपा करके रखना है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसे। इस नए साल आपको ये खास काम जरूर कर लेना चाहिए। चलिए पहले जान लेते हैं कि किस दिन आपको ये काम करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जनवरी के महीने में किसी भी शुक्रवार को आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर 13 जनवरी की रात यानी कि लोहड़ी की रात को आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर 31 दिसंबर, क्योंकि इस बार 31 दिसंबर शुक्रवार को ही है तो आप इस 31 दिसंबर को भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना बस ये है कि शुक्रवार की रात को आपको झाड़ू को अपने मुख्य द्वार के अंदर की ओर रखना है। आपको दिन में ये काम नहीं करना है, रात को करना है, क्योंकि दिन में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए कि किसी की भी उसके ऊपर नजर ना पड़े। झाड़ू को लिटा कर रखें, खड़ा करके झाड़ू को कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो आप इसे मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रख दीजिए रात के समय, और रात को आपको झाड़ू के नीचे 2-4 दाने जीरे के रख देने हैं। ज्यादा आपको नहीं डालना है, सिर्फ 2-4 दाने ही डालने हैं। अब सुबह अगले दिन आपको पूरे घर की सफाई करने के बाद इस जीरे को भी कचरे के साथ घर से बाहर कर देना है। बहुत ही कारगर नुस्खा है ये दोस्तों, क्योंकि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, साथ ही धन से संबंधित सभी परेशानी भी जीरे के साथ साथ आपके घर से दूर हो जाएगी। तो ये उपाय आप इस नए साल पर जनवरी के पावन महीने में जरूर करके देखिए। इसके अलावा दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से पैसा ही पैसे को खींचता है, यानी कि कैसे सिर्फ 1 रुपए का सिक्का आपको मालामाल कर सकता है। आपको करना ये है कि 31 दिसंबर की रात यानी कि शुक्रवार की रात, या फिर आप जनवरी के महीने में किसी भी शुक्रवार की रात ये काम कीजिए, आपको छत पर जाकर के 1 रुपए का सिक्का चुपचाप रख देना है। साथ ही एक तुलसी का पत्ता भी रखें, और सिक्का रखने के बाद आपको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि माता रानी हमारे घर में जरूर पधारिए, और ऐसा कहकर आप वापस आकर सो जाइए। अगले दिन से ही दोस्तों आपको ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, और धीरे धीरे आपका अच्छा समय भी आने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, माना जाता है कि जब किसी खास मौके पर दान दक्षिणा देने के बाद अगर आप देवी देवताओं का आवाहन करते हैं तो उस घर में देवी देवता जरूर आते हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएंगी अगर आप माता लक्ष्मी को बताए गए तरीके से आमंत्रित करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।